हाय गाइज, आई एम डी केजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी केजा इंग्लिश। आज हम लोग फ्यूचर का लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। इसके साथ ही एक बड़ा लोड हमारे माथे से उतर जाएगा। लंबे समय से हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं। टेंस शुरू करने से पहले कुछ वीडियोस टर्म्स पर बने हुए हैं। जो बिगिनर्स हैं, जो अंग्रेजी को सही मायने में सीखना चाहते हैं, वो शुरू से एक एक वीडियो को देखता चले। तो चलिए जल्दी से देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये लास्ट है तो अक्सर यहां पहुंचते पहुंचते अंग्रेजी पढ़ाने वाले गुरुजन सब इसको बड़े जल्दी में कम समय देते हुए इसको समाप्त कर देते हैं और यह कहते हुए कि इसका प्रयोग कम होता है। ठीक है, प्रयोग अधिक या कम, लेकिन जानकारी शब्द की होनी चाहिए और विधिवत होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं क्या है, क्या इसका कंसेप्ट है। तो जब फ्यूचर इम्परफेक्ट पढ़ रहे थे तो उसी समय मैंने कहा था कि फ्यूचर इम्परफेक्ट भविष्य में जारी कार्य जिसकी समाप्ति का संकेत न हो। ठीक उसके विपरीत, भविष्य में जारी कार्य जिसकी समाप्ति तो नहीं बोलेंगे, रुक जाने की, जिसके रुक जाने की संकेत हो, वैसे बातों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। मतलब कि इससे स्पष्ट होता है कि हम उस कार्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे जो भविष्य के किसी समय बिंदु तक ही जारी रहे। और यूं कह रहे, भविष्य के किसी समय बिंदु तक चलकर रुक जाए, आगे जारी नहीं रहे, या फिर भविष्य के किसी अवधि पर ही जारी रहे, उसके आगे जारी नहीं रहे, रुक जाए। तो चलिए इनको शब्दों में मानते हैं। तो भविष्य के किसी समय बिंदु तक ही या अवधि पर ही जारी रहने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य उक्त समय अवधि या उक्त समय बिंदु के आगे जारी नहीं रहेगा। इंग्लिश में कैसे इसको डिफाइन करें? दिस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन और एक्टिविटी विच विल स्टॉप कंटिन्यूइंग एक्सटेंडिंग टू अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। दैट्स ऑल। हिंदी में ऐसे वाक्यों में पहचान के लिए, हिंदी के ऐसे वाक्यों को हम पहचानते हैं कि क्रिया के साथ सामान्यतया रहेगा, रहेगी, रहोगे, रहूंगा लगा रहता है। तो यही मार्कर्स तो फ्यूचर इम्परफेक्ट का भी था। फ्यूचर इम्परफेक्ट में भी यही कहा गया था, रहेगा, रहेगी, रहोगे। वह पत्र लिखता रहेगा, समाप्ति का संकेत नहीं, फ्यूचर इम्परफेक्ट। वह कल 5 बजे तक पत्र लिखता रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे? तो मार्कर्स के आधार पर, पहचान के आधार पर आप नहीं इसको समझ सकते और अलग कर सकते। यस, कभी कभी रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, तो मैं पहले ही बोला था ये होगा, होगी से पास्ट भी इंक्लूड हो जाता है।
जो सेफ है रहेगा रहेगी रहोगे रहूंगा ही कहना। चलिए स्ट्रक्चर क्या है, कैसे खड़ा करेंगे इसको, कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग रूल भी कहते हैं, स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिस नाम से पुकार लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इस दोनों में से कोई एक, यही फाइनाइट है। हम सब्जेक्ट कहते हैं, नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस। लेकिन बच्चों दुर्भाग्य से बच्चों को फाइनाइट कहा ही नहीं जाता और इसीलिए वो क्लॉज नहीं निकाल पाते, इसलिए वो टेंस को समझ नहीं पाते। तो जिनको थोड़ा बहुत पढ़ के रुक जाना है, छोड़ देना है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको इस आगे बढ़ना है, इसमें अगर लिटरेचर परस्यू करना है, कंपिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, खूब अच्छा लिखने और बोलने वाला अगर बनना है, तो ढंग से पढ़ना होगा। है प्लस बी प्लस बी फोर, आप जानते हैं बी फोर क्रिया का चौथा रूप, पहले पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। प्लस मैंने डॉट डॉट देकर के बाय फॉर इटीसी कर दिया, यानी इसके साथ बाय या फॉर या कोई क्लॉज किसी ने किसी समय, चाहे बिंदु हो या अवधि हो, या कोई कोई क्लॉज जो किसी ने किसी कंजंक्शन के साथ आएगा, कभी बाय के साथ, कभी फॉर, कभी बाय के साथ, कभी बिफोर के साथ, लेकिन वो तय करेगा कि कार्य यहां से आगे जारी नहीं रहेगा, तो इसका देना जरूरी है। इसलिए समझिए, एक तरह से बाय फॉर कुछ कुछ जरूर रहेंगे जिससे एक्शन वहां टर्मिनेट कर जाएगा। चलिए लेट्स हैव ए लुक एट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंग्लिश में है, हिंदी कह देंगे, बात बराबर, हिंदी देख के इंग्लिश कहते हैं, कोई फर्क नहीं। पहला, फर्स्ट, ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। यस, वह अगले माह के अंत तक इस कार्य को करता रहेगा, यानी अगले माह के अंत तक ही जारी रहेगा, उसके आगे वो कार्य नहीं करेगा, रुक जाएगा, फर्दर आगे नहीं करेगा, नहीं, स्टॉप कंटिन्यूइंग फर्दर एक्सटेंडिंग टू अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां इस बिंदु पे चलकर देगा। दूसरा, सी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, माने एग्जामिनेशन, फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स। वह अगले 5 महीनों तक परीक्षा की तैयारी करती रहेगी, ना? आने वाले जो 5 माह है तब तक परीक्षा की तैयारी करते रहे। तीसरा, यू विल हैव बीन टीचिंग अस बाय 2024। सब तरह के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, सबको देख रहे हैं, और समय में भी पॉइंट को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरह के समय को ले रहे हैं, या 2024। आप हमें 2024 तक पढ़ाते रहेंगे, राइट? 24 का निकाल ही नहीं रहेगा। फोर्थ, दे विल हैव बीन सर्विंग इन दैट कंट्री फॉर 3 years। यस, दे विल हैव बीन सर्विंग इन दैट कंट्री फॉर, या नेक्स्ट लगा दीजिए और अच्छा है, फॉर नेक्स्ट 3 years। कई बार हम लोग नहीं भी देते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें कंफ्यूजन हो, तो इसलिए नेक्स्ट लगा देने से बिल्कुल आगे का स्पष्ट हो जाता है। चलिए, तो दे विल हैव बीन सर्विंग इन दैट कंट्री, वे लोग उस देश में, किस कोई देश है दूसरा, वे लोग उस देश में 3 वर्षों तक सेवा देते रहेंगे। तो वे लोग उस देश में 3 वर्षों तक सेवा देते रहेंगे, मतलब अगले 3 वर्षों तक सेवा करते रहेंगे या अपनी सेवा देते रहेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ,
आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू बाय 5 o'clock टुमारो। बहुत आसान सिंपल, कल 5 बजे तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। देखिए विल, चूंकि ये इंतजार करना मेरे बस में है, मेरी इच्छा पर है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे चाहने से भी नहीं होगा, मेरे चाहने से हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर प्योर हो जाता। एक एग्जाम्पल देखिएगा, फिर कोशिश किया हमने। नेक्स्ट सिक्स्थ, मिस्टर सिन्हा विल हैव बीन रनिंग आई स्कूल बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ। देखिए अब यहां कार्य कब तक जारी रहेगा, तो सिन्हा जी अपने जीवन के अंत तक स्कूल चलाते रहेंगे, नहीं बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ मीन्स टिल लास्ट ब्रेथ, अपने जीवन के अंत तक सिन्हा जी दुकान चलाते रहेंगे। तो रन माने चलाना, मैनेज करना, सिर्फ दौड़ना ही नहीं होता, जब ट्रांजिटिव हो जाता है तो चलाना, स्कूल चलाना, दुकान चलाना, कोचिंग चलाना, चर्चा हुई है पहले, बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस दिन उनका अंतिम दिन होगा, जिस दिन वो अंतिम सांस लेंगे उस समय तक उस बिंदु पर जाके रुक जाएगा, उसके आगे जाके नहीं रहेगा। सेवेंथ, यहां देखिए ठीक से फर्स्ट पर्सन साफ सेल का प्रयोग क्यों किया, क्या मेरे को लगा कि हाँ सेल देना चाहिए, कैसे प्योर है कोशिश करेंगे। वी सेल हैव बीन लिविंग इन पॉवर्टी फॉर नेक्स्ट सम डिकेड्स, अगले कुछ दशकों तक, 10 साल के पीरियड को डिकेड कहते हैं, तो अगले कुछ दशकों तक हम लोग गरीबी में गुजर करते रहेंगे। अब ये यहां ऐसा ऐसे सोचिए कि क्या कोई चाहेगा जो डेलिबरेटली और विलिंगली को गरीबी में जिए, तो लगता है सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसको रहना पड़ेगा, उसके बस की बात नहीं है, उसकी इच्छा यहां इन्वॉल्व नहीं है उसकी, इसलिए इसको मैंने कहा प्योर। तो भविष्य में होने वाला कार्य जब सब्जेक्ट के बस में ना हो या उसकी इच्छा पर ना हो तो हम प्योर मानते हैं। तो कहता है अगले कुछ दशकों तक हम लोग गरीबी में गुजर करते रहेंगे, अर्थात हालात की वजह से ऐसा होगा, इच्छा की वजह से नहीं, इसलिए इसको प्योर माना। चलिए इतना तो डिस्टिंक्शन के कुछ होता ही नहीं, जो मन आता लगा देता, जहां जो लगा जिसको ठीक लगा लगा दिया, और डबल एल लिख दीजिए सब खत्म, उसे एल ए क्यू मिले समझे अपना पढ़ने वाला। चलिए नेक्स्ट है एट, रामू विल हैव बीन वर्किंग बाय द टाइम हिज मास्टर कम्स। देखिए क्लॉज है बाय द टाइम हिज मास्टर कम्स, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट, ठीक से वर्क कीजिए, ही बाय द टाइम हिज मास्टर कम्स डिफर फाइनाइट। यहां देखिए सेल्फ रामू विल, दो फाइनाइट, कितने फाइनाइट्स हैं, दो फाइनाइट्स, अभी समझ लिए, अब तो समाप्त हो रहा है टेंस के बाद हम क्लॉज की चर्चा करेंगे, जंप के करेंगे, खूब ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, दूसरे को भी बोलिए पढ़ लो सुन लो, बड़ी कंफ्यूजन होती है, नहीं बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं क्लॉज को समझते ही नहीं, आप बोलिए जितना फाइनाइट उतना क्लॉज, विल एक फाइनाइट, कम्स दूसरा फाइनाइट, सेंटेंस एक है, यानी ये दो क्लॉजेस हैं। तो चलिए रामू विल हैव बीन वर्किंग, रामू काम करता रहेगा बाय द टाइम हिज मास्टर कम्स, उस समय तक जब उसके मालिक आए, यानी रामू अपने मालिक के आने के समय तक, आने तक कार्य करता रहेगा, है ना।
अब हम दो सेंटेंसेस अलग से ले रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य थे बिंदु तक जारी, अवधि पर जारी, रुक जाना, आगे जारी नहीं रहेगा, रुकने का संकेत है तो भविष्य में जारी कार्य जिसके रुक जाने का संकेत हो, आगे जारी नहीं रहने का बोध हो उस बिंदु के या उस अवधि का, बस इतना ही बता सकते। अब इमेजिन, लेट्स इमेजिन अ स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑफ पार्ट थ्री, मींस डूइंग 3 years डिग्री कोर्स, who is to take the final exam 6 months from now। तो कल्पना करते हैं कि एक विश्वविद्यालय का अंडर ग्रेजुएट का छात्र है यूजी का, जो 3 years डिग्री कोर्स कर रहा है, अब तो यूनिवर्सिटीज में चलिए 4 years डिग्री प्रोग्राम आ गया, इससे पहले 3 years डिग्री कोर्स चल रहा था। तो कल्पना कीजिए कि एक छात्र है जो 3 years डिग्री कोर्स का 2 साल 4 महीने पढ़ लिया है और 6 महीने बाद वो एग्जाम देगा फाइनल, और उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, 3 years पूरा हो जाएगा। तो अब वी माइट से ऑफ हिम, हम उसके बारे में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि देखिए, when he takes the final exam, he will have been studying for 3 years। अब इसको हिंदी में बोलिए तो कोशिश कीजिए, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि 3 years डिग्री कोर्स का छात्र है, 2 साल 4 महीने पढ़ चुका है, 6 महीने बाद एग्जाम देगा, 2 साल 10 महीने, और 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 3 years कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बारे में कह रहा है कि when he takes the final exam, 6 महीने बाद वो अपना फाइनल एग्जाम देगा, he will have been studying for 3 years। तो यहां बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि जब वो फाइनल एग्जाम देगा 3 साल तक पढ़ता रहेगा। तो चलिए, वह 3 वर्षों से पढ़ रहा होगा जब वो अपना फाइनल एग्जाम देगा, राइट। अब एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें बाय और फॉर दोनों को रख रहे हैं, सेंटेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मोबाइल उसको कवर नहीं कर पा रहा है, मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि यहां है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा, राइट। सी विल हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली फॉर 10 years बाय 2030। फिर सुन लीजिए, सी विल हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली फॉर 10 years, 10 वर्षों तक दिल्ली में काम करती रहेगी, नहीं रही होगी, बाय 2030, 2030 तक वह दिल्ली में 10 वर्षों से काम कर रही होगी या 10 वर्ष काम कर रही होगी। ऐसे वर्कों को अगर इस तरह के भाव को व्यक्त करना हो तो बेहतर है फ्यूचर परफेक्ट, नहीं कर चुकी, कर चुकेगी। लेकिन चलिए, ऐसे लिखा जाता है अंग्रेजी में तो आपको जानना पड़ेगा, ये जी में देखिए बाय 2030 भी है और फॉर 3 years, खूब ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें अब आता है ये जो काम शुरू हुआ प्रेजेंट फ्यूचर। तो मैं पिछले भी वीडियो में कहा था कि ये जो भविष्य में जारी कार्य है, जब नॉन एक्शन पढ़ा रहा था वो भी इसी तरह था, मोर और लेस बिल्कुल यही कंसेप्ट है, वो नॉन एक्शन है, एक्शन है, उसे गुणवत्ता इसमें काम की बात हुई, वो भी बिंदु तक अवधि पर, ये भी भविष्य के बिंदु तक अवधि पर, उसके आगे नहीं। तो मानते हैं बिंदु है 2030, 2025 या फिर नेक्स्ट इलेक्शन मान लीजिए, नेक्स्ट कुछ मान लीजिए, या फिर मान लीजिए लौटने तक काम जारी, इसके आगे जारी नहीं रहेगा, ये तो ठीक, या फिर भविष्य के अवधि पर जारी काम, लेकिन इस अवधि का आगे जारी नहीं रहेगा,
अब आता है जो शुरू का क्या करे सर, तो कार्य का कार्य का प्रारंभ होना ये ठीक नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। हम यहां काम को कहीं भी शुरू हुआ दिखा सकते हैं और काम कहीं का भी शुरू हुआ हो सकता है, आप यूं कहें काम पास्ट में भी शुरू हुआ होगा जिसके बारे में मेरा अभी पर चल कर रुक जाए, काम प्रेजेंट में भी शुरू हुआ हो सकता है कार्य जो भविष्य में जारी रहकर समाप्त हो जाए, और कार्य भविष्य में ही शुरू होकर भविष्य तक चलकर रुक जाएगा। तीनों पॉसिबिलिटीज है। तभी तो एग्जाम्पल दिया कि 3 साल का डिग्री कोर्स में 2 साल 4 महीने पढ़ लिया है, 6 महीने बाद एग्जाम देगा, 2 साल 10 महीने, 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 3 इयर्स कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और कह रहा है कि वह अपने परीक्षा देने तक 3 वर्ष पढ़ रहा होगा, यानी पढ़ लिया होगा, यानी वह 3 वर्ष पढ़ लिया होगा। इसलिए कह रहा है 2030 तक वह 10 वर्षों से काम कर रहा होगा, तो 10 वर्ष में 2030 हम बोल रहे हैं अभी 2023 में, तो इसमें 2-3 साल पीछे का भी तो है, राइट। इसलिए भविष्य के बिंदु तक जारी या अवधि पर जारी, लेकिन शुरू फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट का भी हो सकता है, शुरुआत और पास्ट का भी हो सकता है। चलिए एनफ फॉर टुडे। अगर आपको लग रहा हो कि वीडियोस काम के हैं, पढ़ाई हो रही है ठीक ठाक, तो आप जरूर दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, और देखिए खूब करके देखिए। अगर आप थोड़ा जल्दी में होते हो, अगर आप बहुत धैर्य के साथ नहीं देख पाते हो, तो इसको स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, लेकिन सुन लीजिए पूरा। थैंक यू।